बहुत ओवरवेलमिंग है. यू नो आई थिंक जब इस शहर में आए थे तो विश करने वाले लोग नहीं होते थे, अभी इतना प्यार अनजान लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं. सो आई थिंक ऊपर वाले की दुआ है एंड बहुत अच्छा लगता है. जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन जो लोग भी यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस बर्थडे सो स्पेशल एंड आप लोगों के कारण ही ये जो दिन होता है मैं मेरा और स्पेशल हो जाता है. मुझे लगता है कि हर बार के यहाँ पे इस शहर के अंदर जब आए थे कोई पहचान नहीं थी और ये सब लोग जितने लोग आते हैं यहाँ पर जन्मदिन को और भी स्पेशल बना देते हैं. एंड आई थिंक बिलीव जो लोगों का रहता है ऊपर वाले के ऊपर कि यू नो ये शहर आपको वो सब देता है जो आप डिज़र्व करते हैं, तो आई थिंक हर दिन मेरा स्पेशल होता है एंड आई थिंक ऑल दिस पीपल मेक इट मोर स्पेशल. सर एज एन एक्टर जब दर्शक आपको मसीहा भगवान ऐसा टाइटल देती है आप उसको किस तरीके से लेते हैं? नो आई थिंक आई एम ए कॉमन मैन, हर एक आम इंसान की तरह मैं भी आम इंसान हूँ. मैं डिज़र्व नहीं करता ये सब टाइटल्स, बट आई थिंक जो भी मैं कर पाता हूँ आम लोगों के लिए मेरी कोशिश हमेशा रहती है और आई थिंक ऊपर वाला है जो मुझे जरिया बना देता है उस अच्छे काम के लिए. आज डेट अनाउंस हुई है फतेह की, 10th of January को हम लोग आ रहे हैं सिनेमाज में. बहुत एक्साइटेड हैं. ऑल आई कैन से इसकी बहुत मेहनत हुई है, बहुत डिटेल पे काम किया गया है. धीरे धीरे जब लोग इसका लुक देखना शुरू करेंगे तब उन्हें रियलाइज़ होगा कि जो इतने टाइम इस फिल्म पे काम हुआ था वो क्यों इतनी कमाल की. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन फिल्म दैट आई हैव डन सो फार. आई थिंक जिम्मेदारी है, लोग बड़े समय से इंतज़ार कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म का जो मैं बड़े सालों से करना चाह रहा था एंड आई थिंक फतेह वही फिल्म है. आई थिंक इसीलिए जब वो फिल्म लिखी गई, मैंने डायरेक्ट की फिल्म, तो मुझे लगा कि वो सब लोगों को दिखाना है जो इतने सालों से सीखा एंड आई थिंक फतेह से वो सब उनके जो इतने सालों से जिस चीज़ का इंतज़ार था वो पूरा होगा. और ये कहना चाहूँगा कि आपकी दुआ हमेशा ऐसे बनी रहनी चाहिए. ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि ऐसे ही आप लोगों तक पहुँचने का ज़रिया बनाता रहे मुझे. और फतेह जब 10 जनवरी को होगी रिलीज़, आई थिंक हमारी सबकी फिल्म है, आम जनता की फिल्म है एंड यही कहूँगा कि फतेह की फतेह ज़रूर होगी.